पहले रुख करते हैं गुजरात के महसाड़ा का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत, यहां पर उनका रोड शो का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का, और इसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए पूरे रास्ते में लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खड़े हुए हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला आगे बढ़ते हुए गुजरात चुनावों का एक तरीके से शंखनाद आज के इस कार्यक्रम के जरिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात पर, महसाड़ा में इस वक्त उनकी मौजूदगी। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उनका रोड शो इस वक्त आगे बढ़ रहा है, और पूरे रास्ते में इस फासले पर लोग उनके स्वागत में उनकी आवभगत के लिए खड़े हैं। और जब महसाड़ा पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, उस दौरान उनका स्वागत किस तरीके से किया गया, तो इस वक्त की यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर। और इससे पहले उन्होंने मोढ़ेरा को सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव घोषित किया, और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए साफ तौर पर कह दिया कि वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर खुद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के बाद मोढ़ेरा किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है, यह बात आज साबित हो गई। गुजरात के विकास की बात उन्होंने की है। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त मोढ़ेरा के बाद महसाड़ा में उनकी मौजूदगी। इससे पहले पीएम मोदी ने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री मोदी का यह गुजरात दौरा गुजरात चुनावों को देखते हुए काफी अहम। अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में महसाड़ा की सड़कों के दोनों ओर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का आगमन जो है वो हो चुका है, और उन्होंने उनकी जो जनसभा है वो पूरी कर ली है, और उसके बाद में यहां पर मैं मौजूद हूं। बिल्कुल मेरे सामने मोढ़ेश्वरी माता का जो मंदिर है, इसी मंदिर में प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो अभी मौजूद है। प्रधानमंत्री अंदर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से पूजा अर्चना जो है वो शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शरद पूर्णिमा का दिन है, और शरद पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री स्वयं यहां पर मौजूद हैं। एक बात रोचक मैं ये भी बता दूं कि ये प्रधानमंत्री का गृह जिला है, प्रधानमंत्री का जो वडनगर है वो महसाने जिले के अंदर ही आता है, और प्रधानमंत्री अपने गृह जिले में मौजूद हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया है, और यहाँ पर लोग घंटों से मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी को मैं कहूँगा कि दिखाएं, ये लोग घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री अंदर गए तब भी प्रधानमंत्री ने इनका अभिवादन स्वीकार किया था। हम इन्हीं से पूछेंगे, ये बताइए कितनी देर से यहाँ खड़े थे प्रधानमंत्री जी, अंदर गए, क्या कहना चाहते हैं? 2-3 घंटे से हम यहाँ खड़े थे और वो अभी अभी अंदर गए। अच्छा, कितने कितने प्रिय हैं प्रधानमंत्री? बहुत प्रिय है हमें के लिए। अभी और क्या, अभी तो अंदर से बाहर भी निकलने वाले हैं फिर से? हाँ, वो अभी अंदर से आरती करेंगे, आरती अर्चना करके वो बाहर निकलेंगे, और उसके बाद वो सन टेम्पल जाने वाले है। अच्छा, आप बताइए माता जी, आप कितनी देर से खड़ी है? हम 2-3 घंटे से खड़े है, हम देखने के लिए बहुत उत्सुक है। आप बताइए कितने समय से खड़े हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर? 1.5 घंटे से खड़े रहे हैं मैं प्रधान के देखने बाते। आप बताइए आप कितने घंटे से खड़े हैं? अभी 2.5 घंटे थी देखने के लिए। प्रधानमंत्री प्रिय हैं? हाँ, प्रिय है। अच्छा, हाँ। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री, आपके जिले के ही रहने वाले हैं? जिले में रहने वाले है। अच्छा, आप बताइए आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? हम 2 बजे से खड़े हैं, देखने की बहुत इच्छुक है। अच्छा, क्या रिकॉर्ड किया अभी मोबाइल? मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। आशीर्वाद उन्होंने लिया, पूजन अर्चना, ये पूरा कार्यक्रम 3 दिनों का, और लगभग गुजरात के कई बड़े इलाकों को वो कवर भी कर रहे हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें जी अमित, आप बातचीत करते रहिए। 3 दिनों का यह दौरा गुजरात चुनावों के लिहाज से भी काफी अहम, और खासतौर पर जब अपने गृह नगर में हो, अपने गृह जिले में हो, तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है।
बिल्कुल, मैं फिर से संवाद शुरू करूंगा इन लोगों के साथ में जो ये लोग घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए लोग इतनी समय से यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए कि एक झलक दिख जाए। सर बताइए कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं आप? 2-3 घंटे से। अच्छा, अच्छा। प्रधानमंत्री कितने पसंद है आपको, आपके जिले के ही रहने वाले? बहुत पसंद है, ये पब्लिक 2-3 घंटे ही खड़े हुई है देखने के लिए। आप बताइए, आप लोग ये युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे, कितनी देर से आप लोग यहाँ पर मौजूद थे बताइए, कितनी बार थी उभा चो तमें बता? 2-3 घंटे से। दूसरे भी लोग हैं मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, मैं कहूंगा इन लोगों से बात करें। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके जिले में, आपके जिले के ही रहने वाले हैं जब? बहुत बढ़िया है, हमारा जिला का है और हमारा मोढेरा में आया और वो सूर्या मंदिर आया और मोटेश्वरी उसका कुलदेवी है मोदी साहब की। अच्छा, आपका गांव अब सोलार विलेज हो गया है, देश का पहला, क्या कहना चाहते हैं? देश में है ना, मोढेरा गांव में है ना सूर्या, वो सोलार है ना, फ्री में दिया पूरा गांव में जी। अमित बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मोढेश्वरी माता मंदिर में अंदर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, कुलदेवी और उनको लेकर मन में अपार श्रद्धा वहां के लोगों के मन में भी। और यही वजह है कि आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब अपने गृहनगर गृह जिले पहुंचते हैं तो लोगों का किस तरीके से उत्साह है, और यह उत्साह बड़ा बाजी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए।